बाबा साहब जैसे संत दुनिया में आते ही रहेंगे और अपने विचार के साथ में अंत में बुद्धत्व में यानी बुद्ध के तत्व में विलीन होते रहेंगे, सबके सब उसमें समाहित होते रहेंगे। अभी और भी ऐसे संत आएंगे, तब तक संत आते रहेंगे जब तक आखिरी प्राणी अपने दुख से मुक्त नहीं हो जाता। 14 अप्रैल दुनिया के लिए एक बड़ी तारीख है, एक बड़ा समय है। दुनिया की आधी आबादी जिसको नारी बोलते हैं, जो अधिकतर आबादी है गरीबों की या पिछले लोगों की, उन सबको एक नई विचारधारा, एक नया जीवन देने वाले व्यक्ति का इस दिन जन्म हुआ। लोग बहुत ज्यादा उत्साह में जन्मदिन मनाते हैं, हालांकि उस व्यक्ति ने अपने जन्मदिन को मनाने के लिए उस समय भी लोगों को अपनी छड़ी से मारा जब वो जन्मदिन मनाने की बात करते थे, क्योंकि जन्मदिन मनाना महापुरुष का या संत का कोई लाभकारी नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए अपने एजेंडे हो सकते हैं। जो व्यक्ति चला गया उसकी विचारधारा ही उसका जन्मदिन होती है, जो 365 दिन चलती है। एक दिन जन्मदिन सिर्फ उन लोगों का होता है जो लोग ना संत हैं ना जिनकी कोई विचारधारा होती है, जो सिर्फ एक मनुष्य होते हैं या एक व्यक्ति होते हैं। अभी चूंकि 14 अप्रैल को भारत और विश्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन पहले से मनाता रहा है और एक आदत सी उनको पड़ी हुई है, मगर इस बार महामारी में वो सड़क पर या कहीं फंक्शन में या कहीं उत्सव में जन्मदिन नहीं मना पाएगा। महामारी का समय है और महामारी में जन्मदिन नहीं मनाए जाते, मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, मिठाइयाँ नहीं बांटी जाती। 70,000 से ज़्यादा लोग अब तक इस महामारी में काल का ग्रास बन चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और समझते काफ़ी ज़्यादा लोग अभी इसमें आएंगे भी, क्योंकि इलाज अभी थोड़ा दूर है, सावधानी चल रही है। भारत के अंदर भी 4,000 के करीब लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, काफ़ी तेजी से ये सबको काबू में लेता जा रहा है। तो ऐसे में बर्थडे मनाना किसी भी हालत में बिल्कुल भी सही कदम नहीं है, खास तौर से मिठाई बांटकर या कोई मोमबत्ती जलाकर या कोई प्रकाश कर या कोई ऐसा संदेश जिससे वो संदेश माना भी नहीं जाएगा। अगर आप दुख में या मृत्यु के समय कोई खुशी की मोमबत्ती जलाते हैं, कोई बर्थडे की मोमबत्ती जलाते हैं या कोई क्रियाकलाप करते हैं प्रकाश का, तो वो काम भी नहीं करेगा। या कोई बाजा बजाते हैं या कोई ढोल तमाशा करते हैं, वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मृत्यु दुख का समय है। तो बाबा साहब के जन्मदिन को कैसे मनाना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर अगर होते आज महामारी के समय, तो वो वैज्ञानिक तरीके से सूझबूझ के साथ में लोगों को आगे बढ़ने के लिए या लोगों को बचाने का प्रयास करते, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे और उन्होंने पूरी जीवन अपना वैज्ञानिक सोच में दिया। गरीबों की सेवा कर सेवा देने का मतलब है कि उनको खाना पहुंचाकर। भारत में जब भी महामारी आती है तो महामारी अकेली नहीं आती, अपनी बहन को साथ लाती है जिसका नाम है भुखमरी। भारत के गरीब और पिछले लोग भुखमरी से ज्यादा मरते हैं, महामारी से कम मरते हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर होती है महामारी से लड़ने की। इसलिए महामारी तो कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाती मगर भूख से लड़ने की पावर उनके पास कम है, शक्ति कम है, इसलिए भूख से वो ज्यादा मारे जाते हैं। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन में जितना पैसा या जितना रुपया खर्च करते हैं उससे ज्यादा पैसा का सामान खरीदें, आटा खरीदें, नमक खरीदें, दाल खरीदें और वो जगह जगह उन लोगों को दें जिन्हें वास्तव में जरूरत है। ये बाबा साहब के जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा बाबा साहब को होगा, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी अपने बहन भाइयों के लिए जो कुछ करेंगे उससे बाबा साहब के समुदाय और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। ये मुसीबत का समय है, इसलिए संयम बना के रखें और शांति और भाईचारा एक दूसरे में कायम रखें, विश्वास रखें। कोई भी आदमी भूखा ना सो पाए इसका चारों तरफ ध्यान रखें। ऐसा कर आप कोरोना को मात दे सकते हैं, महामारी को हटा सकते हैं। चारों तरफ अंधविश्वास का अंधेरा कायम है, इसलिए विश्वास की रोशनी जलाते रहें, अपने अंदर विश्वास पैदा करते रहें। जीवन बहुत अच्छा होता है, इतनी आसानी से कहीं नहीं जाता। इस विश्वास के साथ पूरी दुनिया में अपनी आवाज को कायम करते रहें और बुलंद करते रहें। महामारी या भुखमरी में कठिन समय होता है, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो खराब दिन या कठिन दिन भी नहीं रहेंगे। महामारी दुनिया में आज तक ऐसी नहीं है,
या जितने भी लोगों ने कभी कोई गलत काम किए हैं या दुनिया को खराब किया है वो सदा नहीं रहे हैं, उनको जाना ही होता है। बुराई ज्यादा देर तक नहीं रह पाती, अच्छाई ज्यादा देर तक कायम रहती है। जब तूफान आता है तो जो तूफान होता है वो घंटे, दो घंटे, आध घंटे, पांच घंटे, छह घंटे में चला जाता है। शांति सालों साल और महीनों रहती है। महामारी भी 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में आती है। 24 घंटे, 365 दिन या 100 साल तक लगातार महामारी कभी नहीं चलती। बुराइयां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, बुरे लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। महामारी की भी एक खासियत होती है कि जब महामारी आती है तो उसके साथ में गंदगी साफ हो जाती है और जितने भी गंदे मन या गंदे चीजें हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। लोगों के मन बदल जाते हैं, लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं। मनुष्यता, मानवता दोबारा से आती है। मनुष्य और मनुष्य में प्रेम दोबारा से आता है। बुरी ताकतें, जो घटिया ताकतें होती हैं, जो मनुष्य को मनुष्य से लड़ाती हैं, वो हार जाती हैं। अधिकतर केसों में दुनिया में महामारी के बाद में जिन लोगों ने लोगों का उत्पीड़न किया है या उनका शोषण किया है या दबाया है या मारा है या काटा है, उन सबका विनाश और नाश हो जाता है। वो सारे लोगों की चीजें पलट जाती हैं और अच्छे लोग दोबारा से अच्छाई को कायम करने में सफल हो जाते हैं। ये बात तय है कि जीवन ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। बाबा साहब का बर्थडे ना रुका है ना रुकेगा, क्योंकि बाबा साहब की जो आवाज है अनंत बुद्धत्व में विलीन हुई है और बुद्धत्व को पूरी दुनिया मानती है। बाबा साहब ने जितनी मेहनत की वो आखिर के समय में सारी की सारी बुद्धत्व में विलीन हो गई। बाबा साहब को बोधिसत्व बोला जाता है। इसलिए ऐसे महापुरुष या ऐसे जो संत होते हैं दुनिया में, कुछ लोग उनकी मान्यता को माने या ना माने, मगर मानवता और पूरी दुनिया के अच्छे लोग इस बात को जानते हैं कि कौन व्यक्ति अच्छा है कौन खराब है। इसलिए आप इस बार जो उनका जन्मदिन मनाने वाले हैं, लोगों की देखा देखी प्रकाश या मोमबत्ती या लालटेन या दीपक या दिया या मिठाई या ढोल या तमाशा ना करें। दुख में, महामारी में अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग और पूरी दुनिया आपकी हंसी उड़ाएगी, मजाक उड़ाएगी। बाबा साहब का, आपके बोधिसत्व का, आपके विश्व रत्न का दुनिया मजाक ना उड़ाए। इसलिए ऐसे महान काम कीजिए कि दुनिया ये कहे कि उनके अनुयायियों ने महामारी में एक मिसाल कायम की। ज्यादा नहीं तो अपनी आमदनी का 5% 10% गरीबों में दान कर दीजिए, क्योंकि जो गरीबों में दान होता है, भोजन दान होता है, भिक्षा दान होता है, वो अच्छा दान होता है। और जो लोग गरीब नहीं है उनको धम्म दान दीजिए। धम्म दान दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है। बाबा साहब ने भी धम्म का दान किया और धम्म को लिया। 1956 में 14 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन जो उन्होंने धम्म लिया और धम्म दिया, वो उनकी सबसे बड़ा रत्न, सबसे अमूल्य रत्न है। आप भी उस रत्न पे चलते हुए, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी होते हुए, दिखावे से और आडंबरों से और इन चीजों से बचें। महामारी में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। आपकी उपयोगिता है कि आप सद्भावना, मानवता, मनुष्यता और करुणा को बनाए रखें। धन्यवाद। आपको बाबा साहब का जन्मदिन बहुत बहुत मंगल हो, शुभ हो, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।